टीवी रिपेयर में आज बताएंगे दोस्तों। अगर आप लोग यह वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा एंड्रॉइड बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड में क्या अंतर होता है। अगर एंड्रॉइड टीवी रिपेयर करना है और स्मार्ट टीवी रिपेयर करना है, उससे पहले उसके बोर्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एंड्रॉइड बोर्ड में क्या फंक्शन मिलेगा, स्मार्ट बोर्ड में क्या फंक्शन मिलेगा, दोनों का फंक्शन क्या होगा, आप लोगों को पहले यह जानना होगा। एंड्रॉइड फंक्शन में प्ले स्टोर, जो गूगल का प्ले स्टोर होता है, वह मिलेगा कि स्मार्ट बोर्ड में मिलेगा, किसमें मिलेगा, अगर आप लोग यह वीडियो देख लेंगे तो स्मार्ट टीवी और एंड्रॉइड टीवी रिपेयर करने में कोई परेशानी नहीं होगी, उसका बेसिक जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। एंड्रॉइड टीवी में क्या अंतर है, स्मार्ट टीवी में क्या अंतर है, दोनों में डिफरेंट क्या है, पूरा डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। देखिए, एंड्रॉइड बोर्ड में गूगल प्ले स्टोर होता है, जिसमें हम कोई भी ऐप अनइंस्टॉल और डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉइड बोर्ड में, और स्मार्ट बोर्ड में जो होगा वही हमको ऐप उपयोग कर सकते हैं और अलग से उसमें ऐप हम लोग नहीं ले पाएंगे। इस वीडियो में बने रहिए, चलिए देखिए। वही एंड्रॉइड टीवी भी एक स्मार्ट टीवी है, लेकिन इसका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इसे स्मार्ट टीवी से अलग बनाता है। यानी एंड्रॉइड टीवी गूगल का एक स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म है और केवल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है। इसे गूगल प्ले स्टोर के साथ पेश किया जाता है, जहां बहुत सारे ऐप को डाउनलोड या इंस्टॉल किया जा सकता है। एंड्रॉइड टीवी और स्मार्ट टीवी एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये अलग अलग भी हो सकते हैं। एंड्रॉइड ऐप स्टोर में 7000 से अधिक ऐप होते हैं और यह एंड्रॉइड टीवी को एप्लीकेशन प्रोग्राम में बढ़त देता है। काफी एप्लीकेशन लाइब्रेरी एंड्रॉइड टीवी यूजर्स को स्मार्टफोन की तरह कई प्रकार के एप्लीकेशन को डाउनलोड करने और इस्तेमाल करने की अनुमति देते हैं। एंड्रॉइड टीवी का डेवलपमेंट बहुत एक्टिव है, रेगुलर रूप से विभिन्न नए अपडेट को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार एंड्रॉइड टीवी किसी एप्लीकेशन को अपडेट करने, स्ट्रीमिंग करने के मामले में स्मार्ट टीवी से बेहतर है। इसके अलावा इन टीवी को वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ एंड्रॉइड टीवी एप्लीकेशन को ऑटोमेटिक रूप से अपडेट की पेशकश किया जाता है, जबकि स्मार्ट टीवी के लिए इस संबंध में अपडेट प्राप्त करना मुश्किल होता है। गूगल असिस्टेंट का लाभ एंड्रॉइड टीवी को फंक्शन में इतना बेहतर बनाता है कि एंड्रॉइड टीवी के यूजर्स बिना किसी इनपुट डिवाइस के ऑडियो कंट्रोलर के माध्यम से आसानी से चैनल को स्विच कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम को खोज सकते हैं। इसके विपरीत स्मार्ट टीवी के यूजर्स को पूर्ण आकार के कीबोर्ड के साथ सामग्री दर्ज करनी पड़ती है, क्योंकि स्मार्ट टीवी ऑडियो कंट्रोलर का सपोर्ट नहीं करते हैं। गूगल असिस्टेंट और बिल्ट इन क्रोमकास्ट गूगल कास्ट के कारण एंड्रॉइड फोन से अधिक एंड्रॉइड टीवी पर आपके पसंदीदा एप्लीकेशन को स्क्रीन पर मिरर करना संभव है। हालांकि अन्य प्रोजेक्शन उपकरण के बिना स्मार्ट टीवी पर भी ऐसा होना असंभव है, जिसका अर्थ है कि आपको इसके लिए खर्च करना पड़ सकता है। जैसे कि पहले कहा गया है कि स्मार्ट टीवी और एंड्रॉइड टीवी के बीच का अंतर उनके फीचर्स का है, और एंड्रॉइड टीवी अनिवार्य रूप से एक स्मार्ट टीवी है, लेकिन हर स्मार्ट टीवी एंड्रॉइड टीवी नहीं है। हालांकि यूजर्स को सीधा, जैसा कि पहले कहा गया है कि स्मार्ट टीवी और एंड्रॉइड टीवी के बीच का अंतर उनके फीचर्स और एंड्रॉइड टीवी अनिवार्य रूप से स्मार्ट टीवी है, लेकिन हर स्मार्ट टीवी एंड्रॉइड टीवी नहीं है। हालांकि यूजर्स को सीधा इंटरफेस प्रदान करने वाला स्मार्ट टीवी आमतौर पर एंड्रॉइड टीवी की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करता है और तेज चलता है, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन कम होते हैं। स्मार्ट टीवी अपने कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है, तो वही एंड्रॉइड टीवी मुख्य एंड्रॉइड
ओएस पर का चलते हैं। स्मार्ट टीवी पर सारे ऐप नहीं चलते हैं, लेकिन एंड्रॉइड टीवी पर सारे चलते हैं। स्मार्ट टीवी को एंड्रॉइड टीवी में कन्वर्ट करने के लिए अलग से एंड्रॉइड टीवी बॉक्स लगवाना पड़ता है, जबकि एंड्रॉइड में बॉक्स की जरूरत नहीं होती है। स्मार्ट टीवी एंड्रॉइड टीवी के तुलना में सस्ते भी होते हैं। निष्कर्ष निकलते हैं कि अगर आपको कोई एडवांस फीचर्स के साथ जबरदस्त पाना है तो एंड्रॉइड टीवी का चयन करना चाहिए।